आज की हमारी रेसिपी है मसाला पीनट्स रेसिपी। इसके लिए हमने एक पाव फली दाने लिए हैं, जिन्हें हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इन्हें अच्छे से धो लेंगे। दो तीन बार धोने के बाद इसका पानी हम इन छना देंगे और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। पानी छनाने के बाद फल्ली दाने हमें सिंपल लेने हैं, यानी सादे वाले लेने हैं। हल्की फुल्की भूख के लिए रेसिपी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी में 2 चम्मच बेसन का ले लेंगे, और इसके साथ ही अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसमें चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। हम मसाले वाले पीनट्स को सिर्फ बेसन के साथ भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी रेड चिली, यहाँ पर हमें लाल मिर्च थोड़ी तीखी वाली यूज़ करनी है। साथ में हम इसमें नमक ऐड करेंगे, नमक हमें कम लेना है। इसके बाद हम इसमें काला नमक लेंगे। अभी हम इसमें नमक एक बार और डालेंगे, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी 2 चुटकी हींग। इसके बाद ही हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। गरम मसाले से मार्केट जैसा स्वाद आएगा इसका। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर आमचूर पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से सूखा ही मिला लेना है। सूखा मिलाने से ये होगा कि अच्छी तरह मिल जाएंगे। चलिए अब हम फली दाने की तैयारी करते हैं। इसमें हम थोड़ा सा काला नमक और ऐड करेंगे। काला नमक मिलाने के बाद हम इसे थोड़ी देर के लिए और छोड़ देंगे। यहाँ बेसन वाले मिक्सचर में हम काली मिर्च का पाउडर थोड़ा सा और मिलाएंगे, जिससे ये और चटपटा बनेगा। कलर के लिए हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च मिला देंगे। कश्मीरी लाल मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। हमने इसमें पहले ही तीखी मिर्च मिला दिए हैं, और अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भर के तेल। इस तरह तेल मिलाने का फायदा ये होगा कि जब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे तो वो इसमें बहुत अच्छे से चिपक जाएंगे। तेल डालने के बाद हमें अच्छे से हिलाते हुए मिला लेना है, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूखा मसाला, यानी जो बेसन वाला मसाला है, मिक्सचर है, फली दाने में हम इसे ऐड करते जाएंगे। हमें इसे अच्छे से मिलाते रहना है। मिलाने के बाद ये हल्का सा सूखा हो जाएगा, तो इसमें हम थोड़े से पानी के छींटे लेंगे, हाथ में लेकर उसे सींच देंगे इस तरह, और दानों को हल्के हाथों से धीरे धीरे मिला लेना है। इसके बाद हम एक बार और सूखे वाले सामग्री को इसमें डालेंगे बेसन की, ताकि ये और अच्छे से कोट हो जाए। बेसन मिला लेने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, और इसके बाद फिर हम इसे फ्राई करेंगे। तो यहाँ फल्ली के दाने हमारे बिल्कुल रेडी हैं। चलिए, तेल गर्म हो चुका है हमारा, हम इसमें एक दाने डालकर देखेंगे। तो तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म है, हमें इसे मीडियम आंच पर भी रखना है। दानों को हम इसमें एक एक करते हुए छोड़ लेंगे, और हल्के हाथों से हिलाते हुए इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच में हमें चम्मच हल्के हाथों से चलाते रहना है, ताकि ये अच्छे से सिक जाए सभी तरह से। जी, रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर हमारे मसाला वाले पीनट्स बिल्कुल तैयार हैं। हम और भी बचे हुए दानों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इस तरह हम इन फल्ली दानों को कम से कम 15 दिन तक स्टोर आराम से कर सकते हैं। ये सफ़र के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपको मसाले पसंद नहीं है तो आप इसमें सिर्फ नमक डालकर भी फल्ली दानों को फ्राई कर सकते हैं।
बेसन के साथ। तो यहाँ आपके मसाला वाले पीनट्स एकदम तैयार हैं।